Hello everyone, welcome back to my channel Explore Life 360. I am your friend Shashwati and I hope all of you are doing fine and great. आज कल शाम के 6 बजने से पहले ही रात हो जाता है, विंटर का सीजन है इसीलिए तो हमारा शाम की चाय पीना हो गया है और मेरी बेटी जिया बोल रही है उसे छोटी सी भूख लगी है तो मैं सोच रही हूँ गर्मा गर्म सूप बनाया जाए। वैसे बैंगलोर में इस बार ठंड नहीं पड़ी है, हल्का सा ठंडी हवा चल रही है पर सूप तो पिया जा सकता है ना, तो मैं बनाने जा रही हूँ ब्रोकली और अमन की सूप। मैंने अराउंड 15 अमन को भिगो के रखा था तो अभी इसे छील लेंगे और उसके बाद ब्रोकली को सर्व करके मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर रही हूँ। अभी ब्रोकली को मैं 2 मिनट के लिए ब्लांच कर लूंगी तो मैंने इलेक्ट्रिक केटल में पानी को गर्म कर दिया है, इससे गैस और टाइम दोनों ही सेव होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अभी मैं पानी में थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, इससे सारी इम्प्यूरिटीज भी निकल जाएगा और ब्रोकली के साथ साथ मैं अमन को भी दे दूंगी थोड़ा बॉयल के लिए। सो पानी में मैंने ब्रोकली को डाल दिया है और उसके साथ साथ मैंने अमन को भी दे दिया है। अभी जस्ट घड़ी देख के 2 मिनट इसे पकाना है ढक के, और जब तक ब्रोकली ब्लांच हो रहा है मैं इधर गार्लिक को चॉप कर रही हूँ। अलार्म बज गया है यानी कि 2 मिनट हो गया है। अभी मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और ब्रोकली को पानी से मैं निकाल रही हूँ। अभी न मैं बाकी सारे गार्लिक को चॉप कर रही हूँ और नेक्स्ट मैंने एक छोटा सा अनियन लिया है, अभी उसे भी मैं चॉप कर रही हूँ। सो चॉपिंग सेशन इज डन, अभी बनाते हैं ब्रोकली का सूप। तो मैंने गैस पर पैन को चढ़ा दिया है और हाँ, मैं ये सूप अनसॉल्टेड बटर से बना रही हूँ। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल या सनफ्लावर ऑयल से भी बना सकते हो। सो मैंने 1 टेबलस्पून के करीब बटर को पैन में दे दिया है, अभी बटर को थोड़ा मेल्ट होने देंगे और उसके बाद ही मैं इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक को दे दूंगी। बटर मेल्ट हो गया है, अभी मैं इसमें 10 to 15 के करीब पेपरकॉर्न को देके थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी। नेक्स्ट मैंने चॉप किया हुआ गार्लिक को ऐड कर दिया है, इसे 1 से 2 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। अभी मैंने ऐड कर दिया है चॉप किया हुआ अनियन को, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर देंगे ताकि अनियन सॉफ्ट हो जाए। और अनियन को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट कलर चेंज होने तक ही उसे फ्राई करना है। अनियन का कलर चेंज हो गया है, अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्रोकली को, तो इसे भी 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने ब्रोकली को मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक भून लिया है तो अभी गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। इसे अभी ट्रांसफर कर देंगे मिक्सी जार में क्योंकि इसे ब्लेंड करना है। पहले मैंने 1/2 कप ऑफ वाटर मिक्सी के जार में ऐड किया था ब्लेंड करने के लिए, और ब्लेंडिंग के टाइम मैंने फिर से 1/2 कप ऑफ वाटर ऐड किया है, यानी कि टोटल 1 कप ऑफ वाटर मैंने ऐड किया है। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। सो पेस्ट की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से बना है। अभी इस पेस्ट को मैंने उसी फ्राई पैन में ट्रांसफर कर दिया है। अभी मैं इसमें 3/4 कप ऑफ मिल्क ऐड कर रही हूँ, अभी तक मैंने गैस को ऑन नहीं किया है। सो थोड़ा थोड़ा करके मैं मिल्क को ऐड कर रही हूँ ब्रोकली के पेस्ट के साथ। मैंने पूरा 3/4 कप ऑफ मिल्क के साथ ब्रोकली के पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी मैंने गैस को ऑन किया है। मैंने मिक्सी के जार में लगा हुआ ब्रोकली की पेस्ट को भी पानी से धो के इसमें ऐड कर दिया है, पानी करीब 1/2 कप होगा।
नेक्स्ट मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके और पानी को ऐड किया है इसकी कंसिस्टेंसी पतला करने के लिए, जस्ट लाइक सूप। और हाँ, इसे कंसिस्टेंसी चलाते रहना है ताकि नीचे ना लग जाए। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इसमें बॉयल आ गया है, अभी जैसे इसे और 1 से 2 मिनट तक बॉयल करना होगा। मैंने इसमें कोई कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च ऐड नहीं किया है। तो ब्रोकली और अमन का सूप रेडी हो गया है, मैं अभी इसे ट्रांसफर कर रही हूँ एक बाउल में। अभी मैंने इसमें घर के मलाई को जरा फेंट के ऐड कर दिया है, इससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द सर्विंग और मैंने इसे गार्निश किया है घर की मलाई से और ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है मैंने ड्राई रोजमेरी को, क्योंकि टेस्ट के साथ साथ अच्छी स्मेल भी आना चाहिए। मेरे घर में ये सूप सबको ही पसंद है, तो इसीलिए हर विंटर में मैं कोशिश करती हूँ एक बार इसे बनाने की। तो सूप पीना हो गया है, नाउ इज डिनर टाइम। तो मैं किचन में चले आई डिनर बनाने के लिए। आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ जल्दी बनने वाला एक रेसिपी, जो कि है मेथी मटर। तो इसके लिए मैंने एक अनियन को चॉप कर लिया है। अभी मैं कुछ पीनट्स को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और दूसरे गैस पर मैंने कढ़ाई को भी चढ़ा दिया है। मेथी लीव्स को मैंने वॉश करके थोड़ा सा सॉल्ट दे के रखा है ताकि उसका कड़वापन चला जाए। और जब तक पीना ड्राई रोस्ट हो रहा है और कढ़ाई गर्म हो रहा है, मैंने रोटी के लिए 2.5 कप आटा ले लिया है। ऐसे सारे काम ऑर्गेनाइज वे में करने से जल्दी जल्दी खाना बनाया जा सकता है। तो पीना रोस्ट हो गया है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और कढ़ाई भी गर्म हो चुका है। तो मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल ले लिया है 1 टेबल स्पून के करीब। पीनट को मैंने एक प्लेट में ट्रांसफर कर दिया है। अभी उसी गर्म पैन में मैंने 1 टीस्पून तिल यानी कि सिसम सीड लिया है। मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, पैन के गर्मी से ही तिल रोस्ट हो जाएगा। तो ऑयल गर्म हो गया है, ऑयल में मैंने अभी दिया है 1 टीस्पून होल जीरा और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है चॉप किया हुआ गार्लिक। तो गार्लिक को थोड़ा फ्राई कर लेंगे और तिल को भी बीच बीच में चला लेंगे ताकि वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। नेक्स्ट मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है चॉप किया हुआ अनियन और 1 ग्रीन चिली को। अभी इन दोनों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब तक अनियन फ्राई हो रहा है, मैं इधर मेथी लीफ से पानी को निचोड़ लिया है। अभी इसको फाइनली चॉप कर लूंगी। पीनट ठंडा हो गया है, अभी छिलके को हटाकर तिल के साथ इसे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी। बीच बीच में अनियन को भी चला रही हूँ ताकि ये जल ना जाए। तो पीनट और तिल को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और उसे मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अभी अनियन के साथ इसे अच्छे से मैं भून लूंगी। जब तक मसाला भून रहा है, मैं इधर आटा गूंद रही हूँ रोटी के लिए। ऐसे करने से थोड़ा टाइम भी सेव हो जाता है। अभी मैंने ऐड कर दिया है चॉप किया हुआ मेथी लीव्स को और ग्रीन पीस को। अभी सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा फ्राई कर लेंगे।
मेथी लिप्स को एक मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और फिर से इन सारे चीज़ों को अच्छे से अभी फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड किया है, मैंने थोड़ा सा पानी को ऐड किया है ताकि मसालों के साथ सब्जियां अच्छे से घुल मिल जाए। अभी इसे ढक के रख देंगे ताकि ये सब्जियां अच्छे से पक जाए। सो जब तक सब्जियां पक रही है मैंने इधर आटे को भी गूंद लिया है, तो इसे ढक के रख देंगे और देखिए कितने अच्छे तरह से मसालों के साथ ये सब्जियां भी पक गई है। अभी जितना ग्रेवी मुझे चाहिए मैंने उतना ही पानी ऐड किया है और फिर से इसे ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मैंने थोड़ा सा शुगर को ऐड किया है। एक्चुअली किसी रिनाउंड शेफ ने कहा था कि अगर आप थोड़ा सा शुगर को ऐड करेंगे तो मसालों का बैलेंस होता है और सब्जियां टेस्टी भी होता है, इसीलिए मैं हमेशा ही थोड़ा सा शुगर को ऐड करती हूँ। तो ये रेडी हो गया है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अभी मैं बना रही हूँ रोटी। सो डिनर रेडी हो गया है, अभी मैं सर्विंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर अच्छा लगा है या हेल्पफुल लगा है देन डू कंसीडर टू सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही वीडियो बनाने में। तो आज ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ।